भाई लोग किधर बैठे हुए हो? एक नई यूनिवर्सिटी है, हेयर इज द लास्ट चांस टू अप्लाई इन ऑस्ट्रिया फॉर 2025। द यूनिवर्सिटी नेम इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगेनफर्ट। डेडलाइन है और स्टार्टिंग डेट सिर्फ 1 month की, 1st November to 30th November। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एक्सप्लोर विद सुभान राव एंड माई नेम इज मोहम्मद सुभान राव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगेनफर्ट में आपने कब अप्लाई करना है और अपनी प्रोफाइल्स को आपने अभी से रेडी करना है अगर आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं और आपको यूनिवर्सिटी से जल्द से जल्द लेटर चाहिए, एडमिशन लेटर। सो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए होने वाली है बेनिफिशियल। और क्यों बेनिफिट, इस यूनिवर्सिटी में आपको क्या ऐसी बात है कि इससे आपको जल्दी लेटर मिल जाएगा और इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ थी ऑस्ट्रिया के अंदर, उनमें मास्टर्स के लिए MOA पे अब ख़त्म होते जा रही हैं, लाइक 95% यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स कर दिए मास्टर्स के लिए भी। तो ये यूनिवर्सिटी क्लैगेनफर्ट जो है मास्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाली है और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद होने वाली है। अब आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं कार्नी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे स्टडी इन ऑस्ट्रिया विद सुभान राव ग्रुप में आ सकते हैं। अदरवाइज आपके स्क्रीन पे ये नंबर शो हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से डायरेक्टली। इसके अलावा अगर आप हमारे स्टडी इन ऑस्ट्रिया विद सुभान राव ग्रुप में ज्वाइन होके आप थोड़ी सी फ्री असेसमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम को फॉलो करें और आ जाएं हमारे पास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूनिवर्सिटी जो है ये क्लैगेनफर्ट यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगेनफर्ट, ये क्लैगेनफर्ट की सिटी में इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। और तो और अगर आपके पास CGPA अगर आपने आइल्स कर ली, अगर नहीं किया तो भाई कर लो। अगर आपने आइल्स कर ली और आपने जल्दी जल्दी में किया और आपका 6.0 बैंड भी आ गया ओवरऑल, अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल थी और 6.0 तक आपने अचीव कर लिया इसको, तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के अंदर B2 लाइक आप कह सकते हैं आइल्स का स्कोर रिक्वायर्ड है, तो B2 5.5 भी है, 6 भी है और 6.5। बट अगर आपका 6.0 है आप इसमें अप्लाई करें आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट सम केसेस में अगर आपका 5.5 भी है ओवरऑल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5.5 भी B2 के इक्वली होता है। तो आप लोगों के अगर यूनिवर्स आपके अगर 6.0 स्कोर है, आपने आइल्स का पेपर लगाना है और उसके बाद अगर आपके आपकी बैचेस आपकी जो मैट्रिक जिन्होंने बैचेस के लिए जाना है, मैट्रिक इंटर की डिग्री होनी चाहिए उनके पास, लीगलाइज्ड होनी चाहिए और साथ आपके पास आइल्स का स्कोर होना चाहिए 6.0 बैंड्स, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। आप रिकमेंडिंग अगर आप तैयारी करें 6.0 से नीचे ना जाएं। और उसके बाद आपने कोर्सेज फाइंड आउट करने हैं, मेक श्योर आपने अप्लाई करना है जो जनरल एडमिशन प्रोसीजर में, तो आप जब सर्च करेंगे उसको की फिल्टर करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पर दो तरह के कोर्सेज आते हैं। एक होता है स्पेशल एडमिशन प्रोसीजर, स्पेशल एडमिशन में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसकी 50 € फीस होती है। जो जनरल एडमिशन प्रोसीजर है उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप उसको देखें वॉच करें और सेम एज इट इज़ अप्लाई करें। और क्लैगेनफर्ट में आपने क्या करना है, आपने नोटराइजेशन के अलावा अगर आपने नोटराइज फोटोकॉपीज भेजते हैं तो आपको उसके फ्रंट बैक हर चीज़ को आपने नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना है, और उसके साथ येलो कलर की एक स्टैंप लगती है, वो आपने अपनी डिग्रीज के फ्रंट साइड पे दोनों डिग्रीज के मैट्रिक इंटर की डिग्री पे लगा देनी है। और बैचलर्स वालों ने क्या करना है, बैचलर्स की डिग्री की फ्रंट साइड और ट्रांसक्रिप्ट के फ्रंट साइड पे लगा देना, बाकी नोटरी फ्रंट बैक इधर उधर जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ से आपने नोटरी पब्लिक करा लेनी है। और इसके अलावा आपने मोटिवेशन लेटर्स लिखने हैं, मोटिवेशन लेटर्स ऐसे उठा के नहीं फेंक देने, अगर आपकी रिलेवेंट कोर्स है तो आपका मोटिवेशन लेटर थक्कड़ भी हो मतलब कि नॉर्मल भी हो तो चल जाता है, बट अगर आपकी कोर्स की रिलेवेंसी मैच नहीं कर रही और तो उसमें मोटिवेशन लेटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर, ताकि आपकी कोर्स की रिलेवेंसी आप उनको शो करा सको कि वाई एम चूजिंग दिस कोर्स एंड व्हाट्स योर गोल इन ऑस्ट्रिया, व्हाई डिड यू चूज द क्लैगेनफर्ट इंस्टेड ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, एंड व्हाई डिड यू चूज द क्लैगेनफर्ट सिटी इंस्टेड ऑफ वियना एंड ग्रास, सो यू हैव टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर लिखने के बाद आपके पास एक CV होनी चाहिए, एडमिशन फॉर्म होना चाहिए और आपने उनको शिप करना है। मेक श्योर जनरल एडमिशन प्रोसीजर चूज करें, उनमें कोर्सेज के ऊपर लिखा होगा जनरल एडमिशन प्रोसीजर, तो आपने जनरल एडमिशन वाले प्रोसीजर के होते हुए आपने दो सेट बनाने हैं, दो आपने अगर दो कोर्सेज ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, दो कोर्सेज आपने चूज करने और अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और मास्टर्स के लिए भी सेम ही है, बैचलर्स वालों के भी सेम है, सेम क्राइटेरिया है। और जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे एडमिशन फॉर्म, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है, या आप उधर उनके वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर एड्रेस लिखा होता है कि कहाँ कोरियर करवाने हैं, तो आपने कोरियर करवाने हैं। कोरियर में आपका आपके डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, पासपोर्ट, आपका ID कार्ड,
आपका मतलब कि ओरिजिनल नहीं, आपने ये फोटो कॉपीज करानी है और इनका नोटरी कराना है। अच्छा, इसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म, इसके अलावा आपके बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसफर। अब मैट्रिक बैचलर जो उन्होंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करा, उन्होंने मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री लगानी है। अच्छा, ये हो गई आपके पास। उसके बाद आपने, इसके बाद आपने लगाना है लाइक आपका CV, मोटिवेशन लेटर, और साथ साथ LOM जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, और आप आइल्स का स्कोर, टॉफल, आइल्स, कैम्ब्रिज का कोई सर्टिफिकेट है जो आपके पास पड़ा है तो आपने वो लगाना है। टॉफल का आई थिंक सो 87 पॉइंट्स तक उधर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो 85 भी हो तो वो चल जाता है। इसके अलावा और यही चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, और लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एक और चीज़ रिक्वायर्ड थी, हाँ, CV, मोटिवेशन लेटर, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, सॉरी, रिकमेंडेशन लेटर्स भी, अगर आपने बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। अगर बैच, अगर आप यूनिवर्स कॉलेज लाइफ से हैं, 12th आपने पास किया, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा सकते हैं अपने कॉलेज से जाके, लाइक उसे कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं आई थिंक सो समटाइम, और आप वैसे आप बनवा सकते हैं, प्रोफेसर से वो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये बच्चा ICS करने के बाद कंप्यूटर की सारी फील्ड में जा सकता है। अच्छा, बात कर लेते हैं कोर्सेज के, क्लैगनफर्ट के अंदर आपको बिजनेस के कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिल जाएगा, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, और तो और इंग्लिश अमेरिकन स्टडीज भी मिल जाएगा, और इनके अंदर जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं क्लैगनफर्ट के अंदर, आप वो वैना में भी पढ़ सकते हैं, उधर भी पढ़ सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, हैव टू फाइंड द राइट कोर्स अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। एंड आई थिंक this video is enough for you guys, and but right now you have to prepare your file profile according to that courses. First of all, go to the website and check the courses, and then you should prepare your profile according to their course, according to the University of Klagenfurt courses. So I think this video is enough for you, and I'm going to end this video. If you like the video, do hit the subscribe button, bell icon button, and do follow on my Instagram too for the latest and future videos. Bye bye.